तो वेलकम बैक अगेन। ये टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली मेरे जैसे, और जिनको भी मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या जैसे भी है, वो स्टडीज़ के साथ साथ कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज ये एपिसोड लेके आया हूँ। तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए, राइट डायरेक्शन डिसीजन जो भी है, उनके लिए मैं सजेशंस कुछ लेके आया हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो वो कर सकते हैं बहुत ईजिली अपनी पर्सनली ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए वो कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो भैया बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर कर दीजिएगा यार अगर अच्छा लगे तो। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, बट अभी तो स्क्रीन थोड़ा पीछे है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि हमें बहुत ज़रूरी है करने, और ज़रूरी इन द सेंस ये है कि फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, या कुछ हमारे भाई बंधुओं का, बहनों का और फ्रेंड्स का ये होता है कि भैया हम घर से पैसे नहीं ले सकते, थोड़ा शर्म आती है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनके लिए हम ये लेके आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है ट्यूटोरिंग। तो वो अगर कुछ पढ़ा के किसी को कुछ कर सकते हैं तो वो देख लीजिए, ट्यूटोरिंग सबसे पहला टॉपिक रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है सिखाना पढ़ाना। लाइक मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये ट्यूटोरिंग हो गया, बट मैं इससे कुछ कमा नहीं रहा हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इन्फॉर्म कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कमाने के लिए नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरा पर्सनली मोटिव नहीं था ये सब करने का, मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा था यार, वो बहुत उसने मेरे को मोटिवेट करा इस चीज़ के लिए कि तू जब वन टू वन सेशन देता है तो सही दे देता है, तू कुछ कर की लोगों के लिए अगर कर सकता है तो फिर आई एम। और तो ट्यूटोरिंग का मैंने बताया पहला टॉपिक, ट्यूटोरिंग अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिए। दूसरा टॉपिक रहेगा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के अंदर आज जैसा कि आपको पता है, ब्लॉगिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत एक्सपैंड एक तरह से टॉपिक है ये। तो ब्लॉगिंग के अंदर आप देखा जाए, जो आपका इंटरेस्ट जिस भी टॉपिक में, जिस भी कैटेगरी के अंदर, आप उस टॉपिक को, उस कैटेगरी को पिक कर लीजिए, उसके ऊपर ब्लॉग लिख लीजिए, उसका गूगल ब्लॉग्स ले लीजिए या किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट पकड़ लीजिए जहाँ पे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो आपको पेड इंटर्नशिप देंगे या एज अ पेड आपको मतलब आपके कंटेंट के लिए आपको पे करेंगे, जो भी आपका कंटेंट रहेगा, और वही आपको जो भी आपका कीवर्ड्स वगैरह होती है, डेंसिटी वगैरह, अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करा दीजिए, बाकी उनकी सरदर्दी है, वो जो करेंगे कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉगिंग। और थर्ड हमारे पास आता है कंटेंट राइटिंग। जैसे मैंने बताया, ब्लॉगिंग वो अपने लिए करते हैं, कंटेंट राइटिंग वो ब्रांड के लिए करते हैं। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर भी हर तरह का पर्टिकुलर ब्रांड आपके सामने आ जाएगा, तो आपको लिखने आना चाहिए उसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपको थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंग्लिश थोड़ी सी आपकी मतलब होता है ना, खैर हमारे इतनी अच्छी है नहीं यार, बट आपकी होगी तो ज़्यादा बेटर है यार, और कर लीजिएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इंग्लिश को अपनी बेटर करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली। और आपके पास तीसरा ऑप्शन है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल क्लीनिंग, जो कि थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि शर्म आएगी यार काम करने में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्लीनिंग वगैरह, लाइक आजकल तो यार चल रही हैं काफ़ी मॉडर्न मशीन चल रही हैं, लाइक वैक्यूम क्लीनर वगैरह, तो अर्बन क्लैप के थ्रू कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि करना चाहते नहीं करना चाहते। तो इस टॉपिक को मैं नहीं एक्सपेंड करना चाहूँगा, मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगा यार मत करो, क्योंकि होता है कईयों को प्रॉब्लम थोड़ा सा अंदर से लगती है, तो लिमिट। तो हमारे यहाँ पांचवा टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बताऊँ ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग की तरह ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे कि लोगों को कैसे डिज़ाइन करना है, आइडियाज़ क्या चाहिए, आपको एक बुक चाहिए, एक पेन चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, वहाँ पर डिज़ाइन करिए, बस डिज़ाइन करना है, सिमिलर बिल्कुल सिंपल है, डिज़ाइन करिए, डिज़ाइन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपको पता ही है। बस चलते हैं छठे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ब्यूटी बिजनेस। ब्यूटी बिजनेस का भी आपको पता ही है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और आजकल इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये ब्यूटी बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और पांचवा टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट। तो वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का जैसे पता है यहाँ पर दिख रहा है वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, और आपको पता ही है कि वेबसाइट्स वगैरह की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है, उसी हिसाब से वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का बहुत अच्छा है एक ऑप्शन, उसके लिए भी जा सकते हैं आप। और हमारे पास एट ऑप्शन आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा एट टॉपिक है, एट क्या बेसिकली सिक्स ही समझ लीजिए क्योंकि दो तो हमने स्किप कर ही दिए हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन हो गया, कोई भी हो गया, जिसको सोशल मीडिया मैनेज नहीं करा जा रहा, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्यों कैसे आपके लिए बढ़िया है, आप अगर हमसे मैनेज करा लेंगे तो आपका अकाउंट थोड़ा बेटर ग्रो करेगा, या काइंड ऑफ
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर लीजिए, वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगला टॉपिक आता है हमारे पास इवेंट प्रमोटर। तो इवेंट प्रमोटर एक ऐसा टॉपिक है और इतना अच्छा टॉपिक है और इतना एक्सपेंडेड टॉपिक है जहाँ पर सिर्फ आपको प्रमोट करना और कोशिश करना, वही है रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न तो रेफर और अर्न का है, और ये बेसिकली कुछ गिने चुने 7-8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके पर्सनली काम आने वाले हैं। तो बेटर है कि आप गो फॉर दैट, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल जाएगी थोड़ा, आप कर सकते हैं अपना। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लेना यार, और शेयर भी कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।